हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, ये मेरा ऑफिस है, आप देख सकते हैं, ये किंग कैनल क्लब का ऑफिस है। ठीक है, आज मैं आपसे वीलॉग करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जिसमें बात होगी सिर्फ ब्रीड के ऊपर। ये बात होगी ब्रीड के ऊपर क्योंकि लोगों की मुझे कॉलें आई हैं, काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे तकरीबन 30 साल हो गए काम करते हुए। ठीक है जी, 30 साल हो गए मुझे इम्पोर्ट करते हुए। मैंने हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अनगिनत डॉग इम्पोर्ट किए, दुनिया मुझे जानती है, पूरा पूरी दुनिया में मेरे लोग हैं, मेरे फ़ैन भी हैं, और मैं ब्रीड का मास्टर हूँ। 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 2008 ब्रीडों का मैं मास्टर हूँ। ठीक है जी, और कहना ये है कि जो शौकीन मैं पेट लवर भी हूँ। ठीक है, मुझे बहुत दुख होता है लोगों के, जब स्कैम सोचता हूँ, सुनता हूँ लोगों से, मुझे लोग बताते हैं, मैसेज करते हैं कि सर हमने फलां बंदे को पैसे भेजे हैं, उसने नंबर बंद कर लिया है, फलां बंदे ने हमें पेशावर से, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो ना फ्रॉड हो रहा है, लोग तस्वीर वो दिखाते हैं, भेज कुछ और देते हैं, और लोग हमारे जो ना जनाब वो इसी बात में होते हैं कि यार हमें सस्ता मिल रहा है जी। वो अब अला भाई जो है वो 3-3.5 लाख से स्टार्ट होता है, अब लोग अला भाई लेते हैं जी 25,000 का, 20,000 का, वो तो स्ट्रीट डॉग ही होगा ना, वो पेशावर से वो भी कुची को अला भाई कर देते हैं। ठीक है ना, उन्होंने भी रोज़ी कमानी है, तो मकसद ये है कि वो सच बोल के बेचेंगे। ठीक है जी, ये कुची है जी, अफगान कुची है, वो भी प्योर नहीं होते, अफगान कुची भी आपको प्योर जल्दी मिलते नहीं है। ठीक है, और वो भी इस कीमत में नहीं होते, वो भी 40-50 हज़ार से स्टार्ट होता है। तो कहना ये है कि मैं खुद पेट लवर हूँ, डॉग लवर हूँ, और मैं इम्पोर्टर हूँ। मैं खुद रशिया होता हूँ, थाईलैंड रहा हूँ 10-12 साल, और रशिया में भी मेरा सेटअप है, पूरे पाकिस्तान को, आर्मी को, पूरे पाकिस्तान के लोगों को बेचता हूँ वहाँ से, डीलर्स भी मेरे से लेते हैं और लेके आगे लोगों को बेचते हैं, हर बंदे की रोज़ी लगी हुई है। ठीक है, हर बंदा बिजनेस कर रहा है, कमा रहा है, अपने नसीब ले रहा है। ठीक है जी, जब मैं पाकिस्तान में स्टार्ट किया था तब 2-3 लोग थे हम लोग ना, पुराने बंदे थे 2-3, अब लाखों लोग हैं और कारोबार बिजनेस बड़ा है, कम नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे दुख होता है कि जब कोई बंदा पैसे खर्च करता है उसका शौक पूरा ना हो। ठीक है जी, उसको 2 नंबर चीज़ मिल जाए, बीमार मिल जाए, तो काइंडली आप जब भी कोई सोशल मीडिया से डॉग ख़रीदें तो देखें वो उसका कैनल रजिस्टर्ड है, वो कोई डेरेदार आदमी है, कोई घर वाला बंदा है, प्योर चीज़ दे रहा है, किसी से मशवरा कर ले, मेरे से मशवरा करें, मुझे आप बताएं कि भाई जान ये तस्वीर है, ये कुत्ता ले रहे हैं, ये पेशावर से ले रहे हैं, किसी भी सोशल मीडिया से ले रहे हैं, प्योरिटी में है कि नहीं है, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो प्योर है या नहीं है, तो वो मैं आपको फ्री सर्विस दे दूँगा। ठीक है ना जी, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे फ़ैन हैं, और जितने भी डॉग लवर, पेट्स लवर हैं, ठीक है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, और मेरे साइड से मेरा नंबर ले लीजिएगा, व्हाट्सअप पे पूछ लें, मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको जवाब दे दूँगा। और पैट्स को जो लोग फर्स्ट टाइम लेते हैं उसको कैसे केयर करना है, कैसे रखना है, वो भी आपको मैं बता सकता हूँ। ठीक है ना, बेहतर आपको बता दूँगा कि उसको डालना क्या है, क्योंकि वेदर चेंज होता है, बाहर से डॉग आते हैं, लोग इधर कुछ और खुराक है, बाहर से कुछ और चीज़ें डालते हैं, और फिर इधर आके वो बीमार हो जाता है जी। ठीक है ना, तो कोई भी मामला तो हो, कोई भी मसला हो, कहीं से भी आप सोशल मीडिया से पेट्स खरीदें, खरीदने से पहले मेरे से रब्ता कर लें, और इंशाल्लाह मैं आपको अच्छा मशवरा दूंगा जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।